मधुबन के बाबा मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना आपका क्या कहना ओम शांति आज का ओम शांति आज का सुविचार आज हम इस विचार पर विचार करेंगे हथियार स्वयं खतरनाक नहीं होते हैं परंतु मानव के अंदर शिपा क्रोध ही उन्हें हानिकारक बना देता है तेईस दस बीस के महावाक्य बाबा कहते मीठे बच्चे श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो प्रश्न देवता बनने वालों बच्चों को किस विशेष किन बातों का ध्यान रखना है कभी कोई बात में रूठना नहीं शकल मुर्दे जैसी नहीं करनी है किसी को भी दुख नहीं देना है देवता बनना है तो मुख से सदा फूल निकले अगर कांटे में पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं यहाँ ही सरगुण संपन्न बनना है सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा ओम शांति नए विश्व व नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं ये तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने हम लायक नहीं थे कहते हैं हे hey प्रभु मैं लायक नहीं हूं मुझे लायक बनाओ बाप बच्चों को समझाते हैं तुम तो मनुष्य तो हो ये देवताएं भी मनुष्य हैं परंतु इनमें दैवी गुण हैं इनों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे मनुष्यों में आश्रय गुण होते हैं तो चलन जानवरों में तो बाप आगर के तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं सच खंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य ये लक्ष्मी नारायण हैं इनों का फिर इनों को फिर देवता कहा जाता इनों में दैवी गुण हैं, बल गाते भी हैं हे पतित पावन आओ परंतु पावन राज्य कैसे होते हैं फिर पतित राज्य कैसे होते हैं ये राज कोई नहीं जानते वह भक्ति मार्ग ज्ञान को तो और कोई जानता ही नहीं है तुम बच्चों को बाप समझाते हैं और ऐसा बनाते हैं कर्म तो ये देवताएं भी सज्जु में करते हैं परंतु पतित कर्म नहीं करते उनमें दैवी गुण है शीशी काम ना करने वाले ही स्वर्गवासी होते हैं नरकवासी से माया शीशी ही काम कराती है अब भगवान बैठ श्रेष्ठ काम कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं कि ऐसे शीशी काम नहीं करो श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत देते हैं देवताएं श्रेष्ठ है ना रहते भी नई दुनिया स्वर्ग में है ये भी तुम्हारे में नंबर वार, वार्थार्थ जानते हैं इसलिए माला भी बनती है आठ के वे एक सौ आठ के करके सोलह हजार एक सौ आठ के भी कहें, वह भी क्या हुआ इतने करोड़ मनुष्य हैं इन में सोलह हजार निकले तो क्या हुआ बाप बच्चों को कितना ऊंच बनाते हैं? रोज बच्चों को समझाते हैं कि कोई भी विकर्म नहीं करो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तुमको ऐसा बाप मिला है तो बहुत खुशी होनी चाहिए तुम समझते हो कि हमको बेहद के बाप ने अडॉप्ट किया है हम उनके बने हैं बाप है स्वर का रचयिता तो ऐसे स्वर का मालिक बनने के लायक सरगुण संपन्न बनना पड़े ये लक्ष्मी नारायण सरगुण संपन्न थे इन्हों के लायके की महिमा की जाती है फिर चिरासी जन्मों के बाद ना लायक बन जाते हैं एक जन्म भी नीचे उतरे तो जरा कला कम हुई ऐसी धीरे धीरे कम होती जाती है जैसे ड्रामा भी जू मिसल चलता है तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो साढ़े बारह सौ वर्ष में दो कला कम हो जाती है फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम हो जाती है ग्रहण लग जाता है जैसे सूर्य चांद को भी ग्रहण लगता है ऐसे नहीं कि चंद्रमा को ग्रहण नहीं लगता है सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है अब बाप कहते हैं याद से ग्रहण उतरेगा बाबा कहते कोई भी पाप नहीं करो पहला नंबर पाप है देव विमान में आना ये कड़ा पाप है बच्चों को इस एक जन्म के लिए ही शिक्षा मिलती है क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है फिर ऐसी शिक्षा कभी मिलती नहीं बैरिस्टर आदि की शिक्षा तो तुम जनन जन्मांतर लेते आए हो स्कूल आदि तो सदा है ही ये ज्ञान एक बार मिला बस ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं वे अपना और अपनी रचना की आदि मध्यंत की सारी नॉलेज देते हैं बाप कितना सह समझाते हैं तुम पार पाड़धारी हो आत्माएं अपने घर से आगर के यहाँ पार बजाती है उनको मुक्ति धाम कहा जाता स्वर्ग है जीवन मुक्ति यहाँ तो है ही जीवन बंद ये अक्षर भी अर्थात रीति याद करने हैं। मोक्ष कभी होता नहीं है बाबा कहती मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिल जाए अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए आवागमन से निकल जाए परंतु पहाड़ से तो निकल नहीं सकते ये अनादि बना बनाया खेल है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू हु। रिपीट होती है सजुग में वही देवता आएंगे फिर पीछे इस्लामी बोधी आदि सब आएंगे ये ह्यूमन झाड़ बन जाएगा इनका बीज ऊपर में है बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप मनुष्य सृष्टि तो है ही परंतु सजयुग में बहुत छोटी होती है फिर धीरे धीरे बहुत वृद्धि होती जाती है अच्छा फिर छोटी कैसी होगी बाप आकर के पति से पावन बनाते हैं कितने थोड़े पावन बनते कोटों में कोई निकलती हैं, आधा कलब बहुत थोड़े बाबा कहती आधा कलब बहुत थोड़े होते आधा कलब में कितनी वृद्धि होती है तो सबसे जास्ती संप्रदाय उन देवताओं की होनी चाहिए क्योंकि पहले पहले ये आते हैं परंतु और और धर्मों में चले जाते हैं क्योंकि बाप कोई भूल गए हैं ये है बागते सबसे बड़ी भूल भूल का खेल है ना भूलने से कंगाल हो जाते भूलते भूलते एकदम भूल जाते हैं भक्ति भी पहले एक की करते क्योंकि सर्व की सदगति करने वाला एक ही है फिर दूसरे किसी की भक्ति क्यों करनी चाहिए इन लक्ष्मी नारायण को बनाने वाला तो शिव है ना कृष्ण बनाने वाला कैसे होगा ये तो हो ही नहीं सकता है राजयोग सिखलाने वाला कृष्ण कैसे होगा वह तो है सतयुग का प्रिंस कितनी भूल कर दी बुद्धि में बैठता ही नहीं है बाबा कहते अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और देवी गुण धारण करो कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो उसे खत्म कर दो झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे बाप समझाते हैं इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़ी किया कम मिला तो जाने दो उसके बदले कितनी, कितनी राजाई मिल गई बा बताते हैं मुझे शास्त्रकार हुआ विनाश और राजाई का तो कितनी खुशी हुई हमको विश्व के बादशाह मिलने हैं तो क्या ये सब क्या है ऐसे थोड़ी कोई भूख मरेंगे बिगर पैसे वाले भी पेड़ तो भरते है ना। मम्मा ने कुछ लाया क्या कितना मम्मा को याद करते हैं बाप कहते हैं याद करते हो ये तो ठीक है परंतु अभी बाबा के नाम रूप को याद नहीं करना है हमको भी उन जैसी धारणा करनी है हम भी मम्मा जैसे अच्छा बनकर गद्दी लायक बने से मम्मा की मैमा करने से थोड़ी हो जाएंगे बाप तो कहते हैं ना, नहते तो है, मम्मा की मैमा का सबूत तब हो जब तुम भी ऐसे महिमा लायक बनकर दिखाओ से मम्मा बाबा कहने से पेट नहीं भरेगा और ही पेट पीड़ से लग जाएगा शिव बाबा को याद करने से पेट भरेगा इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा याद करना है एक को बलिहारी एक की है युक्तियां रचनी चाहिए सर्विस की। सदा मुख से फूल निकले। अगर कांटे पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं। तुमको यहाँ सरगुण संपन्न बनना है सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा यहाँ बच्चे आते हैं बाप से डायरेक्ट सुनने यहाँ ताज़ा ताज़ा नशा बाबा चढ़ा बाबा हम बच्चों को ताज़ा ताज़ा नशा चढ़ाते हैं सेंटर पर नशा चढ़ता फिर घर गए संबंधी आदि देखें तो क्लास यहाँ तुमको सम, तुम समझते हो हम बाबा के परिवार में बैठे हैं वहाँ आश्री परिवार होता है कितने झगड़े आदि रहते हैं वहां जाने से किचड़ में जाकर पढ़ते हैं यहाँ तो तुमको बाप भूलना नहीं चाहिए दुनिया में सच्ची शांति किसी को भी मिल ना सके पवित्रता सुख शांति संपत्ति सिवाय बाप के कोई नहीं दे सकता है ऐसे नहीं कि बाप आशीर्वाद करते हैं आयुषवानु भव पुत्रवान भव नहीं आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिलता ये मनुष्यों की भूल है सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं कर सकते आज आशीर्वाद देते कल खुद ही मर जाते पोप भी देखो कितने हो करके गए है ना गुरु लोगों की गद्दी चलती है छोटेपन में भी गुरु मर जाते हैं फिर दूसरा कर लेते हैं छोटे चेले को भी गुरु बना लेते हैं या तो ये तो बाप दादा है देने वाला ये लेकर क्या करेंगे बाप तो है निराकार लेंगे साकार ये भी समझने की बात है ऐसा कभी नहीं करना कहना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं नहीं हमने शिव बाबा से पदम लिया दिया नहीं बाबा तो तुमको अनगिनत देते हैं शिव बाबा तो दाता है ना तुम उनको देंगे कैसे मैंने दिया ये समझने से फिर भी माना जाता है हम शी बाबा से ले रहे हैं बाबा के पास इतने ढेर बच्चे आते हैं आ करके रहते हैं तो प्रबंध चाहिए ना गोया तुम देते हो अपने लिए उनको अपना थोड़ी कुछ करना है राजधानी भी तुमको देते हैं इसलिए करते भी तुम हो तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ ऐसे बाप को तुम भूल जाती हो आधा कला पूज्य आधा कला पुजारी पूज्य बनने से तुम सुख धाम के मालिक बनते हो फिर पुजारी बनने से दुख धाम के मालिक बन जाते हो ये भी किसी को पता ही नहीं है कि बाप कब आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं इन बातों को तुम संगम ब्राह्मण ही जानते हो बाबा इतना अच्छी रीति समझाते हैं फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है जैसे बाबा समझाते हैं ऐसी युक्ति से समझाना चाहिए, कर ऐसा श्रेष्ठ बनना है, बाप बच्चों को समझाते हैं बच्चों में बहुत अच्छे दैवी गुण होने चाहिए कोई बात में रूठना नहीं शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है बाप कहते है, ऐसे कोई काम अभी नहीं करो चंडी देवी का भी मेला लगता है चंडी चंडिका उनको कहते हैं जो बाप की मत पर नहीं चलती जो दुख देती है, ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगता है मनुष्य अज्ञानी है ना, आज थोड़ी समझती है कोई में ताकत नहीं वह तो जैसे खोखले हैं। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करती हो तो बाप द्वारा तुम्हें ताकत मिलती है परंतु यहाँ रहते हुए बोतों की बुद्धि बाहर में भटकती रहती है इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ चित्रों के सामने बैठ जाओ और तुम्हारी बुद्धि इसमें बिजी रहेगी गोले पर सीढ़ी पर किसी को भी समझाओ तो बोलो सजुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं अब भी तो ढेर मनुष्य बाप कहते मैं ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता हूँ पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ ऐसे से बैठ प्रैक्टिस करनी चाहिए अपना मुख आप पे ही खोल सकते हैं अंदर में जो चलता है वह बाहर में निकलना चाहिए गूंगे तो नहीं हो ना घर में रड़िया मारने के लिए मुख खुलता है ना ज्ञान सुनाने के लिए क्यों नहीं खुलता चित्त तो सबको मिल सकते हैं हिम्मत रखनी चाहिए अपने घर का कल्याण करो अपना कमरा चित्रों से सजा दो तो तुम बिजी रहेंगे ये जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएगी दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देना चाहिए जो आए उनको समझाओ तुम बहुत सर्विस कर सकते हो थोड़ा भी सुना तो प्रजा बन जाएगी बाबा उन इतनी उन्नति की युक्तियाँ बताते हैं बाप को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो बा कहते बाकी गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ तो भी, भी कर नाश नहीं होंगे ये सब है अंध हरिद्वार में तो सारे शहर का गंध आकर के गंगा में पड़ता सागर में कितना गंध पड़ता नदियों में भी किचरा पड़ता है ना उससे फिर पावन कैसे बन सकते हैं माया ने सब को बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया है बा बच्चों को ही कहते हैं कि मुझे याद करो बाप बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो तुम्हारी आत्मा बुलाती है ना हे पति दावन आओ वह तुम्हारे शरीर का लौकिक बाप तो है ही, ही बाप है अभी हम उस पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं जीवन मुक्ति दाता एक ही है दूसरा ना कोई इतनी सहज बात का अर्थ भी कोई समझते नहीं है अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मान पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते धारणा के लिए मुख से ज्ञान रतन निकालने की प्रैक्टिस करनी है कभी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है बिजी रहना है बाप से आशीर्वाद मांगने की बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है बलिहारी शिव बाबा की है इसलिए उन्हें ही याद करना ये अभिमान ना आए कि हमने बाबा को इतना दिया है वरदान दे रहे हैं बाबा हम बच्चों को हम सभी बच्चे बाबा से वरदान लेंगे विश्व कल्याणकारी की ऊंचे स्टेज पर स्थित रहे विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भाव विश्व कल्याणकारी की ऊंचे स्टेज पर स्थित रहे विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भाव अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण संबंध पदार्थ संस्कार प्रकृति के हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो शांति की किरण सर्व आत्मा के प्रति दे सकेंगे शांति की भी और शक्ति की किरणें सर्व आत्मा के प्रति दे सकेंगे स्लोगन ईश्वरीय शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा ईश्वरीय शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा जैसे बाबा ने पिछली मुरली में कहा ना कि बाप की सत्य छाया के अंदर रहो तो माया आ नहीं सकेगी कल का भी स्लोगन था तो बा ने कहा ईश्वरीय शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा बाबा हम बच्चों को शक्तियाँ दे रहे हैं भागते इन शक्तियों के साथ सजे सजाए रहो तो माया की हिम्मत नहीं माया क्या है एक पेपर टाइगर है ना तो कहते वो कागज़ का है वो दूर से वैसे डराती है नजदीक वो खुद ही कमजोर है ना तो बाबा कहते हैं मन को क्या करो शक्तिशाली बनाओ आई बाबा ने कहा है कितना भी हो बाप को याद करना है पिछली मूली में बाबा ने चाड़ के बारे में कहा था आज बाबा कहते हैं लक, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो सबसे नंबर पहला नंबर पाप है देव विमान में आना ना? है ना तो बाबा कहते हैं इस देभिमान को खत्म करना है ना आत्म अभिमान में रहना है ओम शांति सबसे पहले आपको यूट्यूब पे जाकर रूहानी पढ़ाई सर्च करना होगा और फर करंट मुरली ओपन करके पूरी मुरली ध्यान से सुनी होगी फर मुरली के बीच में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ब्लू कलर की लिंक को क्लिक करके एक फॉर्म में देना होगा तो आप ये वीडियो ध्यान ऐसी देखिए की कि किस तरह ऐसी आपको जवाब देना है जैसे ही ये फॉर्म ओपन होता है आप फॉर्म को ऊपर करके निचे प्रश्नों तक पहुँच फिर जो भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं, उसकी सही सही जवाब दे जैसे की मुरली के आंसर आपकी फोन नंबर आपका नाम और फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट बटन आरोप क्लिक करे ओम शांति